मित्रों, यह एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की है। एक छोटा सा बच्चा जो जन्म से ही अंधा था, उसके माता पिता ने और उसके गुरु ने भी उसे हर चीज को पहचानना सिखाया था। उन्होंने उसे बताया था कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए तुम्हें उसे स्पर्श करना होगा। छू कर तुम उसके आकार प्रकार को जान सकते हो। तुम्हें उसे सूंघना होगा। सूंघ कर तुम उसे जान सकते हो कि वह चीज क्या है। तुम चलकर दूरी को समझ सकते हो। बच्चे को जैसा सिखाया और पढ़ाया गया था, वह वैसे ही समझ तथा सीख गया था। अब वह बच्चा बड़ा हो गया। वह किसी भी चीज को अपनी अंगुली से छूकर और सूंघ कर बता देता था कि वह चीज क्या है। एक दिन बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जब एक दिन उसके गांव से किसी व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, तुम अंधे हो और सब कुछ बता देते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम यह बता सकते हो कि यह क्या है? उस अंधे लड़के ने कहा, जरा दिखाओ मुझे मेरे हाथों को, उसे स्पर्श कराने दो, जरा सूंघने और सुनने दो मुझे, तब मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि यह क्या है जो तुम कह रहे हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई इसे सुना नहीं जा सकता, कोई इसे छू या सूंघ भी नहीं सकता है। अंधे व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे ना छुआ जा सके, ना सूंघा जा सके और ना ही उसे सुना जा सके। तुम मुझे पागल समझ रहे हो, अगर कोई चीज ऐसी है तो उसका नाम बताओ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, प्रकाश, रोशनी, इसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है और इसे सुना भी नहीं जा सकता है। अंधे व्यक्ति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती, मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वह अंधा व्यक्ति अपनी बातों में अड़ गया। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि प्रकाश जैसी भी कोई चीज होती है। वह माने भी तो कैसे, आज तक तो उसे यही समझाया गया था कि वह सभी चीजों को छू सकता है, सुन सकता है, तो वह लड़का यह कैसे मान सकता है कि उसे आज तक जो भी बताया गया था वह सब गलत है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई लोग आए उसे समझाने के लिए, लेकिन वह अंधा व्यक्ति किसी की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि प्रकाश जैसी भी कोई चीज होती है। तब उस अंधे व्यक्ति के गुरु वहां आए और उसने कहा कि जब सूर्य निकलते हैं तो उसकी प्रकाश से, रोशनी से तुम्हारे हाथ भी गर्म हो सकते हैं, तुम्हारे पैर जमीन पर पड़ते ही तुम्हें गर्मी महसूस होने लगती है, यही प्रकाश है। अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि आकाश में एक सूर्य है और जो आपने बताया है, जो गर्मी पैदा करता है और उस गर्मी को मैं छू सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ और पैर गर्म हो जाते हैं, मेरा शरीर भी गर्म हो जाता है, लेकिन ये सब जिसकी बात कर रहे हैं, जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं, उसे तो मैं छू भी नहीं सकता हूं। गुरुदेव, क्या मैं प्रकाश को छू कर देख सकता हूं? गुरुदेव बोले, नहीं, प्रकाश को छुआ नहीं जा सकता। तो व्यक्ति ने कहा, तो मैं नहीं मानता हूं कि प्रकाश जैसी भी कोई चीज होती है। गुरुदेव, क्या प्रकाश काला होता है, उसका रंग क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, प्रकाश काला भी नहीं होता और उसका कोई रंग भी नहीं होता है। अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे दिखाओ तभी तो मैं मान सकता हूं, अन्यथा प्रकाश जैसी कोई चीज होती है ये मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। एक से बढ़कर एक व्यक्ति आए, लेकिन उस अंधे व्यक्ति ने किसी की भी बात नहीं सुना और बोला, तुम सब लोग मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे हो और तुम यह साबित भी करना चाहते हो कि मैं अंधा हूं, लेकिन तुम सब लोग अंधे हो, मैं अंधा नहीं हूं। तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हारी झूठी कल्पना को मान लूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, तुम सब मुझे पागल बना रहे हो। अंत में सब लोग उस अंधे व्यक्ति को गौतम बुद्ध के पास ले गए और बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, हम सब इस अंधे व्यक्ति को समझा समझा कर थक गए हैं कि प्रकाश होता है, लेकिन यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, अब आप ही इसे समझा सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कहाँ है प्रकाश? प्रकाश कहीं भी नहीं है, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? यह सही कहता है कि प्रकाश जैसी
कोई भी चीज नहीं होती। जब यह प्रकाश तक पहुंच ही नहीं सकता है तो क्यों मान ले कि प्रकाश है? तुम सब व्यर्थ में ही इसके पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हो। अंधे को प्रकाश के बारे में कौन समझाता है, और एक अंधा प्रकाश के बारे में क्या समझ सकता है? इसे किसी वैद्य को दिखाओ, अगर इसे आंखें मिले तो यह प्रकाश के बारे में कुछ जान सके। यह उसे देखे, उसे समझे, तो इसे प्रकाश के बारे में इतना समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उसे दिखाई दी जाएगी। बुद्ध ने उस अंधे व्यक्ति की ओर देखा और कहा, इसे मेरे वेद जी के पास ले जाओ, अगर इसके आंखों में कुछ हो सकता है, इनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, तो वह जरूर इस अंधे व्यक्ति की आंखों को ठीक कर देगा। लोगों ने यह बात सुनकर उस अंधे व्यक्ति को वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने व्यक्ति की आंखों का इलाज किया। उस व्यक्ति की आंखों में एक जाला सा लगा था, जो वैद्य जी के जड़ी बूटियों के कारण उनकी आंखें 6 महीनों में ठीक हो गई। फिर उस अंधे व्यक्ति ने पहली बार अपनी आंखों से प्रकाश को देखा। उसने अभी तक केवल अंधेरा ही देखा था, प्रकाश की कल्पना भी उसके दिमाग में नहीं थी। प्रकाश को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब किसी भी व्यक्ति को उसे समझाने की जरूरत नहीं थी कि प्रकाश होता है। और इन 6 महीनों में बुद्ध यात्रा करके किसी दूसरे स्थान में चले गए थे। वो अंधा व्यक्ति बुद्ध को ढूंढता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। तब बुद्ध लोगों को अपना उपदेश दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि हे बुद्ध, लोग तो केवल बताते थे कि प्रकाश होता है, वे लोग सिर्फ समझाने की कोशिश करते थे। अगर आप मेरे गांव में नहीं आते तो मैं लोगों से केवल विवाद ही करता रह जाता, और वे मुझे समझाते ही रह जाते हैं। वे लोग मुझे मेरा अंधकार मानने ही नहीं देता कि मैं अंधा हूं। शुक्रिया है आपका, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया और मैंने जाना कि मैं अंधा था। आप नहीं होते तो मैं प्रकाश को कभी जान भी नहीं सकता, और मेरे गांव के लोग मुझे समझाते ही रह जाते। केवल आपने ही मुझे प्रकाश दिखाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बुद्ध ने कहा, आप तो मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या पाया, और मैं आपसे कहता हूं कि मैंने परम सत्य को पाया, और यह परम सत्य भी उस प्रकाश की तरह है। जब तक आप अपने मन की आंखों का इलाज नहीं करवाएंगे, तब तक आप इस प्रकाश को कभी नहीं देख पाओगे। मन के आंखों के ऊपर बैठी मोह माया लालच कामना वासना इच्छा और भय, ये सभी बुराइयां आपके मन की आंखों को अंधा कर देती है। तब आपको सत्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, और आप इन्हीं बुराइयों के सहारे ही चीजों को छूकर सूंघकर पता करते हैं कि वो कौन सा चीज है। ये अनुभव आपको कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, वह हमेशा ही अधूरा रह जाता है। इसीलिए अपने मन की आंखों से इन बुराइयों को हटा दो, तब तुम्हें भी सत्य का प्रकाश साफ साफ दिखाई देगा। उस समय मुझे या किसी और को तुम्हें समझाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध की ये ज्ञान को आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।